आइए दोस्तों, आज आपको एडमंटन अल्बर्टा के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। तो चलिए, वेलकम टू वन ऑफ द टॉप फाइव यूनिवर्सिटीज ऑफ कनाडा, द यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा। फ्रेंड्स, मैं आपको चार चीजों के बारे में यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको मैं एजुकेट करना चाहता हूँ। पहली चीज है, यहाँ पर बहुत इजीली एक्सेसिबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बसेस और रेल सबवे की सुविधा प्रॉपर है, जो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के आगे आके रुकती है और आप अपनी फैकल्टी पे कहीं भी जा सकते हैं। दूसरा चीज़ मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, एजुकेशन जो यहाँ पर इंजीनियरिंग के सारे स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं और हर किसी के सेपरेट बिल्डिंग है। दूसरा है, यहाँ पर फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन से रिलेटेड जो भी है आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी सो सारे कोर्सेज है, माइक्रो कोर्सेज है, उसके सारे जो सब सेक्शन है वो सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है और बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर जो साइंटिस्ट और जो रिसर्च वर्क हो रहा है उसमें यहाँ पर एवरी डे टू डे लोगों को अपने प्रोफेसर्स और जो आगे वाले साइंटिस्ट हैं जो यहीं यूनिवर्सिटी की अलग अलग बिल्डिंग्स में काम करते हैं, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई काम हो, मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम हो, कोई भी टाइप की रिसर्च हो, नैनो टेक्नोलॉजी की रिसर्च, सारे काम यहाँ पे होते हैं जो साइंटिस्ट और रिसर्च लोगों के लिए ये बहुत हेवन जैसा बना रखा है। और चौथा, यहाँ पे मैं आपको फिटनेस और हेल्थ के बारे में बताना चाहता हूँ कि ऑल ओवर द यूनिवर्सिटी आपको जिम्स, फिटनेस फ्रीक्स, फिटनेस फैसिलिटी, स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही यहाँ पर एंकरेज किया। दोस्तों, अब आपको यूनिवर्सिटी के रेसिडेंस के बारे में बता रहा हूँ इस वाले पार्ट में। रेसिडेंस मतलब यहाँ से लेके आप 8 से 10 ब्लॉक राइट चले जाओ, पूरा का पूरा जो एरिया है वो पूरा रेसिडेंसी का एरिया ही है। यहाँ पे कम से कम थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर लिविंग इन। तो नेट नॉर्दर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द लीडिंग पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ कैनेडा एंड अल्बर्टा। यहाँ पर इसकी सबसे नई बिल्डिंग जो कि कैट बोलते हैं, सेंटर फॉर अप्लाइड टेक्नोलॉजीज बोलते हैं इसको, यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आप नेट में आएंगे तो मेरे ख्याल से न्यू स्टूडेंट को ओरिएंटेशन से रिलेटेड, स्टूडेंट सर्विस सेंटर से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ जो होती है वो इस कैट बिल्डिंग में ही होनी है। इस कैट बिल्डिंग में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और हेल्थ केयर और मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर, सेंटर बिल्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कोर्सेज है वो यहाँ पर। बिल्डिंग से मूव होते हुए अब हम जाएंगे साउथ लॉबी में, जो कि नेट की सबसे पुरानी बिल्डिंग में से एक कहलाती है। अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स करेंगे तो मोस्ट लाइकली आपकी पढ़ाई यही पहुँच गए हैं। द ग्रैंड मैकगिवन्स यूनिवर्सिटी इन अल्बर्टा इन एडमंटन। सबसे पहले मैं आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, बहुत ईज है, ये यूनिवर्सिटी हार्ट ऑफ डाउनटाउन में है, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन LRT और बसेस यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत अच्छे से आती है, तो ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज द मेन पॉइंट। दूसरा है, यहाँ पर एजुकेशन में ऐसा है कि नर्सिंग से रिलेटेड या हेल्थ केयर से रिलेटेड आप कोई भी कोर्स करते हो तो दिस यूनिवर्सिटी इज़ लाइक अ जेम ऑफ द हेवन फॉर यू गाइस। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोर्सेज हैं, जनरल साइंसेज से रिलेटेड कोर्सेज है, बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड कोर्सेज के लिए भी ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी कहलाती है। फिटनेस की बात की जाए तो यहाँ पर अच्छी खासी फैली यूनिवर्सिटी है, तो फिटनेस और स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन फैसिलिटी यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छे से यहाँ पर जिमिंग की भी व्यवस्था की गई है और बाकी रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। रेसिडेंस की बात करें तो यहाँ पर ऑन साइट ग्रैंड मैकगिवन्स का खुद का रेसिडेंस भी है, लेकिन नेट का खुद का रेसिडेंस का एक प्रॉपर प्लेस नहीं होने के कारण, नेट और ग्रैंड मैकगिवन्स के बीच में दूरी बहुत कम होने के कारण नेट वाले बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी रह सकते हैं। जी हाँ, तो अब नॉर्थ वेस्ट कॉलेज के बारे में बात करेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉलेज एक पब्लिकली फंडेड कॉलेज एडमिंटन का है। यहाँ पर बिकॉज ये कॉलेज है, यहाँ पर एक ही एक साल और 2 साल के डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं और बहुत सारे कोर्सेज पब्लिक हेल्थ में हैं, साइंस के फील्ड में हैं, अकाउंटिंग के फील्ड में है, फार्मेसी टेक्नीशियन से के रिलेटेड फील्ड है, हेल्थ केयर के रिलेटेड फील्ड है, तो आप इस कॉलेज में आ सकते हैं। इंजीनियरिंग के लोगों के लिए ये कॉलेज नहीं है क्योंकि इंजीनियरिंग के कोर्सेज यहाँ पे ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं नॉर्थ वेस्ट के बारे में आज। कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी इज अ स्मॉलर साइज यूनिवर्सिटी ऑफ एडमंटन। स्मॉलर साइज होने के कारण अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट की संख्या कम होती है, तो मोर इंटीमेट एजुकेशन एक्सपीरियंस को आप यहां पर का लाभ उठा सकते हैं अगर आप कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो।
कॉनकॉर्डा यूनिवर्सिटी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, एजुकेशन में से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड बहुत सारे यूनिवर्सिटी कोर्सेज ऑफर करती है। और आप अगर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो अगेन आपके लिए यूनिवर्सिटी के पास ज़्यादा कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, जिससे कि बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पास कर सकें। और अगर आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कनाडा में आने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर नीचे आप पूछ सकते हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देने का ट्राई करूँगा। धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।